Hi, welcome to my channel. It's between solve current question number 2. Classify the following polynomials as monomials, binomials and trinomials. Which polynomials do not fit in any category? तो यहाँ पर कुछ polynomials दिए हुए हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा monomial है, binomial है, trinomial है, classify करना है और ये भी बताना है कि कौन सा polynomial है जो इस classification में नहीं fit होता। तो ध्यान दीजिएगा, मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, बायनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल्स मींस थ्री टर्म्स जिसमें होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एक्सप्रेशन x प्लस वाई, यहाँ पे दो टर्म्स हैं x और y, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बायनोमियल। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं बायनोमियल, bi, इसके आगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1000 है, 1000 में केवल एक ही टर्म है 1000, ओके, एंड दिस इज मोनोमियल। तो हम यहाँ लिख देते हैं केवल मोनो, आप इसके आगे लिख लीजिएगा, ओके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स टू फोर, ये आपके इसमें फोर टर्म्स हैं। ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है ये फिट नहीं होता आपके इस कैटेगरी में, क्योंकि ये इसमें फोर टर्म्स हैं, फोर टर्म्स वाला तो दिया ही नहीं है, ओके। तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मतलब ये फिट नहीं हो रहा। सेवन प्लस ए प्लस फाइव बी, ध्यान दीजिए यहाँ पर थ्री अलग टर्म्स हैं बिल्कुल, यहाँ पर ये हो गया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल को हम लिख देते हैं TRI। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2b माइनस 3b स्क्वायर, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, सो दिस इज बाइनोमियल। 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि वेरिएबल्स अलग अलग डिफरेंट हैं कि नहीं, तो बिल्कुल वेरिएबल्स यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको सॉल्व करके सिंगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं, यहाँ वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका ट्राइनोमियल है। तो हम इसको लिख लेते हैं ट्राई, ओके। 5x माइनस 4y प्लस 3x, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 5x और 3x ये दोनों सेम वेरिएबल से अटैच्ड हैं, सो वी विल सॉल्व दिस। तो 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x माइनस 4y। तो अब ये इसके हो गए दो टर्म्स, सो ये आपका बाइनोमियल है, दिस इज अ बाइनोमियल, ओके। 4a माइनस 15, ये दिस इज आल्सो बाइनोमियल, दो टर्म्स हैं आपके। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 के 4 जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ मोनोमियल, नॉट अ बाइनोमियल एंड नॉट इवन अ ट्राइनोमियल, सो इसको हम इग्नोर कर देंगे बिल्कुल, ये क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर, इसमें केवल एक ही टर्म है, ठीक है, सो इट इज़ अ मोनोमियल। यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, देखिए पी स्क्वायर यहाँ पर किया गया है, क्यू से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे पी इंटू क्यू स्क्वायर किया गया है, देयरफॉर इट इज दिस बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, सो ये बाइनोमियल है। यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं, पी है इसमें, क्यू है, 2p प्लस 2q, देयरफॉर इट इज बाइनोमियल ऑल्सो। तो इसमें बाइनोमियल्स ज़्यादा हैं, ट्राइनोमियल्स कम हैं और मोनोमियल्स भी कम हैं। सो आप समझ चुके होंगे कि कौन से एक्सप्रेशन इसमें फिट नहीं हो रहे हैं, आपका ये जो नाइन्थ वाला है और ये आपका थर्ड पार्ट, ये दोनों फिट नहीं हो रहे हैं इसमें, इस क्लासिफिकेशन में, ओके। होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, तो यदि आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइए, ओके, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।